Eyes on the door, you've got them trained. I know what you're thinking, what's it gonna take? Have another deep breath, think before you say. Think before you say, think before you say. I'll play the fool, you sit and wait. Awkward conversation, when's it gonna change? How has your day been? What else can I say? What else can I say? How else can I say? तो भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आज बड़ा फिट किस्म का सीन है, बड़ी आला किस्म की जगह पे जा रहे हैं। नाश्ता ये मैंने बना लिया अपना, ये देखें अंडा, कितना स्वैगी किस्म का अंडा तैयार करता हूँ। बाकी मेरा व्लॉगिंग का सामान भी तैयार है, ये चेक करें मेरा व्लॉगिंग का सामान। ड्रोन मैंने रख लिया है। सर्दी वैसे मेरी सिटी में भी कम नहीं पड़ रही, बट वहाँ पर और ज़्यादा होगी। ये छोटू बच्चा, वो शरारती बच्चा। हाँ जी, क्या कहाँ जा रहे हैं हम? हमने डांस किया था एक वीडियो में, डांस करना तब तो मैं पीछे बैठा था। कितना शरीफ हो गया ये ये बच्चा जो अभी शराफत का मुजाहिरा कर रहा है, बिल्कुल शरीफ नहीं है ये वाला बच्चा। इसका अपना चैनल है और ये खिलौने बड़े फिट फिट देते हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें, आपको फ्री खिलौने मिलेंगे दुनिया में हर जगह। सफर में मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, मजाल है मैं कभी सोया हूँ। अभी हम एक टनल के अंदर जा रहे हैं, पहाड़ के बीच में जो टनल बनाया हुआ है, तो आधी पहाड़ी जर्मनी में आती है, उसके उस तरफ वाला ऑस्ट्रिया में आता है। स्टार्ट हो गया आपका टनल, डन। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको इतना फील नहीं होता, लाइक पता भी नहीं लगता, अनलेस कोई पुलिस वगैरह आपको रोके और पूछे और लाइक फिर आपका पासपोर्ट वगैरह मांगे कि भाई आप ऑस्ट्रिया एंटर हो रहे हो, आपका लाइक क्या वीज़ा स्टेटस क्या है, आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। मोस्टली जब भी मैं रोड से गया हूँ मेरा अभी तक चेक नहीं हुआ। ये स्टार्ट हो गया है आपका ऑस्ट्रिया। चलो आजा छोटू, नथिंग इज अप ब्रो। सर्दी अच्छी खासी ठंड है, ये बच्चा जिस तरह प्रिपेयर होके आया है आप भी ऐसे प्रिपेयर होके आए, और देखिए टोपी पहने, ग्लव्स पहने, इस तरह की जैकेट पहने, ठीक है। तो बच्चे को पकड़े खाएँ, वो सामने जंगल है। सर्दी से आपका बच्चा इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप के दौरे पड़ते हैं आपके बच्चों को। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ का आता है? बच्चे को पकड़ के जो गिच्ची होती है ना, गिच्ची दुबाने का, इस तरह इतना मज़ा आता है ना कभी। और इस तरह जैकेट बच्चे की बड़ी और आप इस तरह पकड़े ना, और फिर यूं करके घसीटें बच्चे को और दूर ही रखेंगे। ये मार रहा है मुझे। देखें टाइनी यूट्यूबर्स का ये अंजाम होता है, इधर आओ। चलो आए तो हम ऑस्ट्रिया में हैं, बट ऑस्ट्रिया की हमें कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे सारी जर्मन हैं। तो ये ब्रिज है और इसकी हाइट ना ज़मीन से लेके ऊपर तक 104 मीटर है। पाथ नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हम हाइक करके वो उस ब्रिज तक जाएंगे। ये सारा आपको मैप बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट भी है, बाकी होटल्स भी हैं। अच्छा जिले इलाही के दरवाजे उसके टाइम के ना।
सिटी में इंटर होते ही आपको ये एरिया हो गया टिकटिंग एरिया, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए कुत्ता और भेड़ बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या मैं ये छोटा और आप ये हो, ठंड का असर है, इग्नोर करें। तो जो ब्रिज पे जाने का टिकट होगा वो होगा 6 यूरो का, और अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो लिफ्ट वो जो चेयर लिफ्ट टाइप सीन रहता है उसका टिकट है 8 यूरो। अजीब अजीब किस्म की चीज़ें पड़ी हैं, पुराने ज़माने की लग रही हैं, लाइक ये वो चीज़ें थी बॉम्ब डालते थे अंदर, बारूद भरते थे और ठाक करके फायर करते थे। ओहो क्यों इतनी उदास हो, आ गया मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दुकान कम लग रही है, जंग का मैदान ज्यादा लग रहा है, ये चक्कर। टोपी के नाम पे ना आपको असल में टोपी पहना रहे हैं, लाइक 14 यूरो की टोपी है। जो लिफ्ट आ रही है कहती है ये बस लोगों को उठा के ऊपर लेके जाती है, और नीचे हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे ना, हम तो पैदल जा रहे हैं। आगे से ये फोल्ड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। हाँ हाइकिंग करके ये रास्ता है सामने, और आगे ट्रैक भी बना हुआ है। हाँ ट्रैक भी बना हुआ है तो आपको मसला नहीं होगा, और हाइक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट की है। जब छोटे थे आप ऐसे करते थे, अभी कौन से दादा अबू बन गए। आर्मी ट्रेनिंग हो रही है छोटे बच्चों की, और ये गया दूसरा भी गया। जाजिब आप भी जाओ, चलो चलो हमारा देसी बच्चा ना, नखरे चेक करें उसके, देखेंगे। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता जहाँ से वो लोग सारे ऊपर जा रहे हैं, और एक ये रास्ता जहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं जा रहा। तो फोर्सफुली मेरे कहने पे यहाँ जाया जा रहा है, और मेरा आर्ग्यूमेंट पॉइंट ये था वो कहते इस रास्ते से क्यों जाना है जब सारे उससे जा रहे हैं। तो एक अलमशहूर गाना मैंने गाया, कौन सा गाना था आपको याद तो होगा, अभी 2 सेकंड पहले सुनाया था मैंने, हम जो चले हम क्यों चले उस राह पे जिस राह पे सभी चले। गाना सुन के मैंने पंप अप कर दिया सबको, इस टिड्डे को भी, चल टिड्डे। हाइक के अलावा मैं आज एक और चीज़ भी ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया, इतने अर्से से मेरा ड्रोन वैसे ही पड़ा हुआ है बेचारा, जंग ना लग जाए। चेक किया यार, ये ड्रोन शॉट का ना अलग ही शशका एक, लेकिन आगे पीछे मैं यूं करके बना लूँ, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता जो ऊपर से जाके ना देख ही देख तो लिया आपने, देख लिया ना, लेकिन यहाँ पे उड़ाने से पहले ज़रा सीख के आना, क्योंकि ड्रोन फ्लाइट इतनी ईजी नहीं होती, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैं, दरख्त हर जगह पे, तो हल्का सा भी ड्रोन आपका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो आप अपने अच्छे खासे पैसे लूज़ कर सकते हैं। बस चोटी पे पहुँच गए हम, याद है जिस तरह पत्थरे आटा में होता था एक व्यू पॉइंट, कि यहाँ पे इसी तरह का एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको सारे बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। नीचे जाने वाला रास्ता ना ज़रा ख़तरनाक है, तो ज़रा ध्यान ध्यान से चलना है यहाँ पे। बड़ा तंग कर रहा था जब मैंने ड्रोन उड़ाना था, अब इसके अम्मा अब ज़रा पीछे रह गए हैं, तो अब मैं इसे बताता हूँ क्या करते हैं। इधर आ टिड्डे, इधर आ, चल अपना डिफेंस कर रहे है, डिफेंस कर, फ्लाइंग करके जाओगे, आ जाओ आ जाओ, आप फ्लाइंग करने जा रहे हो, चलो। मेरा व्लॉग देख के ना इस टिड्डे के अम्मी अबू ने मुझे लग रहा है मुझ पर केस कर देना। हमने जाना था उस वाले ब्रिज पे, और हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गए।
ये मशहूर ब्रिज पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जाने की टिकट भी है। मैं कब नीचे से टिकट लेते हो जो एरिया में दिखाया था, और 8 यूरो की टिकट है ये ब्रिज पे जा रहे हैं। टाइनी यूट्यूबर पागल हो चुके हैं। वहाँ पे गए थे उस पहाड़ की चोटी पे और हम आए हैं यहाँ पे, और हम और नीचे से गए थे, लाइक नीचे से पहले वहाँ और बाद में। खास बाकी सारी खूबसूरती एक तरफ और ये खूबसूरती एक तरफ, ये देख क्या कर रहे हो भाई, घर क्या रहे हो, कमाई हुई है बच्चे 1000। मैं भी यहीं बैठ रहा हूँ। इसमें बड़ा मज़ा आता है बच्चों को तंग करने का। वे देखें, आ जा पकड़। हाँ लूजर, बस इतनी इतनी सांसें थी, आओ ना आज जा जाज़ेब इज़ अ लूजर, जाज़ेब इज़ अ लूजर। देखें आपने अगर कोई लूज़र देखना है ना तो ये देखें, पहुँच के मैं जीत जाऊँगा। हाँ जो अभी भी चांस दिया आपको, आ जा लूज़र। ये हाँ लगा लिए मैंने, हार गए। रोके तो दिखाओ, रोके तो दिखाओ लूजर। जो किला मैंने दूर से दिखाया था, करीब से ऐसा है। जगह पे आप देखिए सोट पड़ी हुई है, सोट को यहाँ से 100-200 साल से कोई नहीं उठा सका, और जो भी सोट को यहाँ से निकालेगा वो इस किले का मालिक होगा। क्या तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब ये सीन हुआ है कि जो अनमोल बाजी थी उनका मोबाइल गुम है। मोबाइल उनका था भी S10, और गौरव को मिला और सामने आके उन्होंने वापस कर उन्होंने दिए। नहीं ये रास्ते में जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा आपके पास मेरा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे अपने हैंडी की पहचान थी ना, हाँ। तो इसने यूँ किया, यूँ देखा, मैंने कहा मेरा हैंडी आप लोगों के पास तो नहीं है, तो वो कहती या तो जैसे मैंने कॉल की थी और आके यार कहाँ छोड़ गई थी उसे। अच्छा इल्ज़ाम एंड में मुझ पर लगा रही है, तुम्हारे पास ये जेब में पड़ा होगा, मुझ पर नहीं तो जैसे भाई के पास होगा, चिलिंग में फिर रही है। मैं कह रहा हूँ यार नहीं है मेरे पास, कहती नहीं नहीं पास ही होगा भाई, नहीं है। क्या कहना चाहिए गौरव को, कोई सलाम सलूम दिए उन्हें? नहीं कुछ नहीं कहा, बस मैंने कह दिया तो फिर इंदा मतलब कि बहुत शुक्रिया। S10 घुमाया भाई, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने अपने इतने ईमानदार शोहर पे शक किया, आप पे मुझ पे, कहती हैं कि आप लोगों के पास हैं। आपकी मामा ने मोबाइल घुमा दिया है, पता लगा था? देखा ईमानदार सिर्फ गोरे थे, 20 यूरो दे, आप हमें 30 यूरो दें, अब आपकी वजह से हुआ है। तो आज हम लोगों की काफ़ी भाग दौड़ होगी और सैर भी काफ़ी होगी, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। आपको मजा आया छोटू? नहीं तुझे मजा आया? थैंक टू जानजेब भाई, जानजेब भाई बहुत शुक्रिया। जानजेब भाई अक्सर मुझे मुफ्ते के चक्कर लगवा देते हैं, अगर आपने भी कोई मुझे मुफ्ते का चक्कर लगवाना हो ना यूरोप का तो मुझे बताएं यार, मैं बहुत वेला बंदा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा आपकी तरफ।